गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हिस्ट्री, क्लास 9, चैप्टर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले हमने सोशल कंडीशन देखी थी कि फ्रांस 3 महत्वपूर्ण समाज कैटेगरी में डिवाइडेड था, एक क्लर्गी नोबिलिटी एंड थर्ड था क्लर्गी नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, फार्मर का फार्मर, बिजनेसमैन, टीचर, एडवोकेट, उन तमाम लोगों को थर्ड स्टेट में रखा गया था और इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया था। जब टैक्स लगाने की बात है, उन दो लोगों ने काफी हेल्प किया था। जैसे फ्रेंच में आपने देखा था कि जो चीजें हो रही थी वो काफी भयानक चीजें थी, जिसमें लुई 16 ने अपने खर्चे के चलते लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज करने की बात कही, टैक्स इंक्रीज करने की बात कही। इससे लोगों में काफी गुस्सा था और इस गुस्से का परिणाम ही रिवोल्ट में हुआ था। अब यहाँ तक हमने देखा था, आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। जब फ्रांसीसी सम्राट जो था लुई 16, उन्होंने टैक्स इंक्रीज करने की बात कही थी, रीजनिंग हाउ दे लर्न द प्रीवियस सेक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो हाउ डू यू थिंक दे कुड लिव गॉन अबाउट डूइंग दिस? The France of the old reason in the monarchy did not have the power to impose taxes according to your alone. क्या होता था कि उस समय लुई 16 के पास अगर टैक्स बढ़ाना है तो वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। उस समय की बात कह रहा हूँ जब लुई 16 सत्ता में आया था, तो उन्हें क्या होना था कि 3 स्टेट की उन्हें एक जनरल स्टेट जो उनकी परमिशन उन्हें लेनी पड़ती थी, वो द गोल्ड अलोन दैट इन फ्रांस टू ओल्ड रीजन द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस अकॉर्डिंग टू योर अलोन। कोई भी राजा उस समय, फ्रांस की जो परिस्थिति थी उस समय, राजा अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स इम्पोज या इंक्रीज करने का डिसीजन नहीं ले पाता था। उस समय उन्होंने क्या कर दिया, राधर कॉल, उनके पास एक ऑप्शन था, वो एक जनरल स्टेट जो तीनों की बनी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, इन तीनों को मिला के जो फ्रांस का जो पार्लियामेंट बना था, उस पार्लियामेंट का नाम था जनरल स्टेट। फ्रांस की उस समय क्या पार्लियामेंट का नाम था, जब लुई 16 सत्ता में था, उसको कहते थे जनरल स्टेट, उसमें वो मेंबर होते थे। अब वो क्या होते थे, स्टेट जनरल ऑफ पॉलिटिकली बॉडी, तो 3 स्टेट सेंट टू रिप्रेजेंट यू, और जो उसमें जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर थे वो तीनों स्टेट से आते थे। तो फर्स्ट स्टेट 300, सेकंड स्टेट 300 और थर्ड स्टेट 600, ऐसे मिला के लगभग 1200 मेंबर वहां की जनरल स्टेट में इंक्लूड थे और उन 1200 की परमिशन उन्हें लेनी पड़ती थी, तब जाके राजा अपनी तरफ से कोई डिसीजन मेंटेन कर सकता था। तो जब ये मीटिंग लास्ट टाइम कब बुलाई थी, 1640 में बनाई थी, 1614 में बुलाई गई थी। अब लुई 16 ने सोचा कि अब इसको बुलाया जाए और 5 मई 1789 इनको लुई 16 ने मीटिंग के लिए कॉल किया, उनको तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, और उन्होंने क्या क्या उस प्रस्ताव में क्या क्या चीजें बनाई गई थी उसके बारे में पूरा एक फॉर्मेट बना दिया।
और फॉर्मेट में न्यू टैक्स इंक्रीज करने की क्या क्या बातें थी उसको लिखा गया। जब थर्ड स्टेट फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट तीनों स्टेट को राज दरबार बुलाया गया, उस समय की बात कंडीशन ये थी कि उस समय लुईस 16 ने राज दरबार बहुत अच्छे से सजाया था, मतलब अपनी जो दरबार थी, अपने जो आलीशान भवन था उसको बहुत अच्छे से सजाया। तो पहले उन्होंने क्या कर दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट टू 300 मेंबर ऑफ ईच हु सिटेड रॉ ऑफ फेसिंग ईच एंड अदर टू साइड। देखो ये जो पूरा ऐसा प्रोसेस था, ऐसे तीन स्टेट थे और राजा यहाँ पे था, तो पहली स्टेट सेकंड स्टेट और जो लास्ट में बाउंड्री खड़ी थी वो थर्ड स्टेट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, इस तरीके का पूरा दरबार का एक हॉल बनाया गया था इस शेप में, और तीन कैटेगरीज उसमें रखी थी। जो सामने वाली कैटेगरी थी उसको फर्स्ट स्टेट, जो सेकंड वाली रो थी वो थे सेकंड स्टेट, एंड लास्ट वाली जो बहुत डिस्टेंस के ऊपर रखी गई थी वो थर्ड स्टेट की थी। और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर थे। थर्ड स्टेट में कितने मेंबर थे? 600, और फर्स्ट स्टेट में 300, सेकंड स्टेट में 300 और 600 थर्ड स्टेट में, टोटल मिला के 1200 मेंबर हुए। और जो 600 मेंबर थे, जो टैक्स पेयर थे, उनको लास्ट लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब समस्या क्या थी कि वहां से जो खड़े हुए 600 मेंबर थे उनको राजा की कोई बात ही सुनाई नहीं दे रही थी, वो परेशान हो गए। कोई राजा की बात उनके पास नहीं थी, मतलब सुना ही नहीं, राजा क्या बोल रहा है, क्या उन पे पर टैक्स लगाए जा रहे, क्योंकि टैक्स पे कौन करने वाले थे? थर्ड स्टेट, और उनको ये बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उनको काफी गुस्सा आया वो, और ये थर्ड स्टेट में जो लोग थे उसमें टीचर थे, आर्मी टीचर थे, फार्मर थे, कारागिर थे, महिलाएं थी, उन सभी चीजों को इस बात पे समझनी पड़ी थी कि राजा क्या डिसीजन ले रहा है, और एकदम अंतिम कोने में खड़े होके बात हो रही थी। तो जब ये बातें उनके समझ में आई थी, तब लगभग उस समय किसानों, औरत और कारगिल जो किसान थे, लेबर थे, महिलाएं थी, उनको उस पार्टी में आने के लिए कोई इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, 40,000 लेटर, 40,000 लेटर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और 40,000 लेटर लुई 16 के दरबार में पहुंचा दिया, जिसमें ये मांग थी कि कोई भी टैक्स उनके ऊपर नहीं लगाया जाए और जो है टैक्स उसको कम कर दिया जाए। कुछ शिकायतें, कुछ मांग थी, कुछ बड़े जमींदार के अगेंस्ट मांग थी, उसको कार्रवाई करे, कुछ जो चर्च थे, चर्च के अगेंस्ट में डिमांड, कुछ कंप्लेन थी, वो सारी कंप्लेन मिला के 40,000 लेटर लुई 16 के दरबार में पहुंचा दिए गए थे, जिसे वो जो प्रतिनिधि 600 आए थे वो साथ में 40,000 लेटर लेकर आए। अब जनरल स्टेट का एक नियम था, वोटिंग इन स्टेट ऑफ जनरल, अब वोटिंग का एक रूल था कि वोटिंग इन जनरल स्टेट इज अ पास्ट हैड बीन कंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट ईच एंड हैड ओनली वन वोट। जब लुई 16 प्रत्येक वर्ग को अपना एक मत देने का अधिकार था, मतलब जो कैटेगरीज थी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, उनमें हर वर्ग को अपना एक वोट देने का अधिकार था। इस बार लुई ने क्या कर दिया, इस बार भी लुई 16 ने वही मेथड अपनाने की कोशिश की, तीनों वोट करने की, मतलब फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड स्टेट को एक वोट और थर्ड स्टेट को एक वोट, मतलब उसमें जो वर्ग बनाए गए थे, वकील का एक वर्ग होता है, फार्मिंग का होता है, लेबर का होता है, स्किल लेबर का होता है, तो हर वर्ग को उन्होंने एक एक वोट देने के लिए लुई 16 पूरी तरह से तैयार था। लेकिन समस्या क्या हुई कि
तीसरा जो मेंबर था उन्होंने मांग रही कि आप उनकी पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाना चाहिए। अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब पहले तो एक एक वोट कर रहे थे हर एक मेंबर को अपनी अपनी कम्युनिटी के अनुसार, एक एक वोट राइट था, पर अब हुआ उल्टा। अब थर्ड स्टेट ने अपनी एक डिमांड की, डिमांडिंग द वोट राइट कंडक्ट द असेंबली एज होल वेयर द ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। अब उन्होंने थर्ड स्टेट में एक डिमांड की कि अब हम हर मेंबर मतलब 1200 मेंबर उसमें वोट करेंगे, जिसका वोट ज्यादा होगा वो विन होगा, उसी के अकॉर्डिंग रूल टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है डिसीजन होगा, जिसमें हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार। तो ये एक लोकतांत्रिक रूल है, जैसे अपने इंडिया में वन वोट वन वैल्यू है, हर नागरिक को वोट करने का अधिकार होता है, वैसे ही अधिकार यहाँ पे दिया गया। मांग की उन्होंने कि हमें वन वोट वन वैल्यू देने की बात कही गई, जो ऑलरेडी एक बुक में लिखा गया था, उस बुक का नाम था, वो प्रिंसिपल जो था फॉरवर्ड फिलोसोफर रूसो ने अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन बातों का जिक्र था कि वन वोट वन वैल्यू, हर नागरिक को अपना वोट का अधिकार देने का अधिकार होना चाहिए। सो 1200 मेंबर को अपने सिंगल वोट देने का राइट मांग कर रहे थे थर्ड स्टेट वाले। और ये मांग की स्टेट किस बुक से ली गई है, आइडिया किस बुक से आई, इस बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था, एंड किंग रिजेक्टेड प्रपोजल। लेकिन जब ये बात सबके सामने आई तो सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट इन लोगों को काफी गुस्सा आया, और उन गुस्से के अंतराल में उन्होंने थर्ड स्टेट की इस डिमांड को डिनाई कर दिया, थर्ड स्टेट की इस डिनाई कंप्लीटली डिनाई कर दिया गया। अब इससे मात्र थर्ड स्टेट में काफी गुस्सा हुआ और उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली। ये एक बहुत ही लंबी और एक अलग तरीके की स्टोरी। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट उन्होंने क्या कर दिया, 20 जून जो डेट थी उस समय की, जो खासकर डेट थी 20 जून, उस डेट में इंडोर टेनिस कोर्ट नाम का एक प्लेस है, इंडोर टेनिस कोर्ट, ये वर्साइल में आता है, इंडेस टेनिस कोर्ट एक मैदान है बहुत बड़ा, उस मैदान में थर्ड स्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव जमा हुए 20 जून को। घटना क्या थी 20 जून, अब क्यों घटना थी, ऑलरेडी जो उन्होंने वन वोट वन वैल्यू की डिमांड की थी, जो पहले कैटेगरी वाइज वोटिंग होता था, अब कैटेगरी वाइज नहीं होते, वन वोट वन वैल्यू की डिमांड राजा ने पूरी तरह से खारिज कर दी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ने खारिज कर दी, उसको फिनिश कर दिया, उसको अमंजूर कर दिया, नॉन ग्रांटेड कर दिया। इससे लोगों का गुस्सा काफी हुआ और 600 जो मेंबर थे वो वहां से राज दरबार से निकल के एक टेनिस कोर्ट ओत नाम का प्लेस है वर्साइल में, आपके बुक में पिक्चर दिया है, उस टेनिस कोर्ट ओत में जाके वो स्टैंड हुए, जो आपके बुक में जो पिक्चर नंबर 5 है वो जरूर अपने टेक्स्ट बुक्स में देखिए, उसमें लिखा है कि असेंबली में किस तरीके से वो डिमांड करने लगे। अब ये और उन्होंने क्या कर दिया कि अब स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच पर्सन, अब वो सबको अधिकार मांगने लगे, उन्होंने बोला था कि अब सबको अधिकार मिलने ही चाहिए, उन्होंने और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ही डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। और थर्ड स्टेट की एक बात थी, उन्होंने अपने आप को पूरे फ्रांस का प्रतिनिधित्व माना, क्योंकि ऑलरेडी 90% जो पॉपुलेशन थी वो फार्मर की थी, तो फार्मर सारे थर्ड स्टेट में आते थे, तो वही एक पॉपुलेशन के लिहाज से फ्रांस की जो आबादी थी उससे तो वो घोषित करना लाजमी था, इससे तो बहुत इजी था। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ द स्पोकमैन एंड ऑल द फ्रेंच नेशन होल द फ्रेंच नेशन एंड 20 जून असेंबल हुए, उसी दिन असेंबल हुए थे इंडोर टेनिस कोर्ट में, और उन्होंने खुद को देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दी,
and sought now they dispersed their draft constitution to France would limit the power of monarchy. और उसी समय एक शपथ ली, एक घोषणा कर दी, एक शपथ ली सारे लोगों ने, उस सम्राट की जो शक्तियां थी, पावर थी, मोनार्की थी, उस मोनार्की को पूरी तरह से रिड्यूस करके या कम करके राजक शक्ति का संविधान तैयार नहीं किया, तब असेंबली, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। नेशनल असेंबली बनाई और नेशनल असेंबली तब तक काम करती रहेगी नेशनल असेंबली तब तक काम करती रहेगी जब तक वो फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेंगे तब तक। और इस तरीके से नेशनल असेंबली जनरल स्टेट से नेशनल असेंबली कैसे हुई उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई। इनका नेतृत्व किसने किया था, मतलब लीडरशिप किसने की थी, दो लोगों ने, मीराबे और आबे सीए नाम के दोनों ने किए थे। मीराबे और आबे सीए, इनके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आबे सीए। मीराबे वॉज बॉर्न, मीराबे भी अगर उनकी स्टोरी थोड़ी सी पढ़ना चाहे तो मीराबे एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, बट वॉज कन्विटेड द नीड ऑफ आवे द सोसाइटी फीडियल प्रिविलिजियस। मीराबे का जन्म जो खासकर कुलीन वर्ग में था, मतलब सेकंड स्टेट में जो था, उन्हीं स्टेट में उनका जन्म, मतलब उन्हें अधिकार मिल चुके थे, पर वो लोगों के साथ था। और मीराबे मानते थे कि जो सामंती विशेष अधिकार है, मतलब जो खासकर फीडियल कॉन्सेप्ट थी, उस फीडियल कॉन्सेप्ट को मिटाने के पक्ष में था। He brought the general and delivers powerful speeches crowd assembly in Versailles। और उन्होंने वहां पे लोगों के सामने बहुत जबरदस्त अपना जो स्पीच था वो लोगों के सामने दिया, इससे काफी लोगों के अंदर एक यूनिटी आई और वो नेशनल असेंबली की तरफ बढ़ने लगे और एक नई दिशा की तरफ ये कदम थे। आबेसीए खासकर जो थर्ड स्टेट था, वो थर्ड स्टेट में जो बातें कही गई है उसके बारे में बात हो रही है। आबेसीए ने कुछ बातें जरूर कही थी। आबेसीए जो प्रेस्टेड रोट एन एम्प्लियंस पैम्पलेट कॉल ऑफ व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अब जो उन्होंने पत्रिका निकाली थी, एक राइट निकाला था, उस राइट में उन्होंने क्वेश्चन किया था, खासकर उन्होंने क्वेश्चन किया था आबेसीए, एक वो भी एक पादरी था, एक चर्च में काम करता था, और उन्होंने थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने नेशनल एक पैम्पलेट तैयार किया लोगों के अंदर भिजवाने के लिए और ड्राफ्ट किया, तैयार किया। इससे काफी लोगों के अंदर जो नेशनल असेंबली का जो प्रारूप था, मतलब A square writer mint of bad harvest, the price of bad harvest, an often bred exploit situation in hoarder supplies. खासकर तीन चीजें थी। देखो उस समय पूरा फ्रांस अब सरकार के अगेंस्ट में चला था और ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए था। उस समय फ्रांस भी टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, आंदोलन होना, मूवमेंट होना, मूवमेंट को स्प्रेड होना, तो उसको टर्मोइल कहते हैं ना, टर्मोइल, आंदोलन, एक आंधी आई थी, टर्मोइल का मतलब आंधी आना, ये होता है। अ सर्स विंटर हैड मेंट बैड हार्वेस्ट विद द प्राइस ऑफ बेडरोस। बेकरी की अब क्या हुआ कि जो ब्रेड का जो मालिक थे, ब्रेड प्रोडक्ट करने वाली जो बेकरी थी, उस बेकरी के जो मालिक थे, उन्होंने क्या कर दिया कि जो ड्रॉट आया था फ्रांस में और फसल ठीक से नहीं प्रोडक्ट हुई थी, उस समय बेकरी मालिक ने क्या कर दिया, ब्रेड के भाव बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा भाव बढ़ा दिया और उसकी जमाखोरी बहुत ज्यादा की, और जो बेकरी के दुकानों पर घंटों लाइन लगती थी महिलाओं की, घंटों लाइन लगती थी। अब उस लाइन से, घंटों लाइन लगने के बाद भी उन्हें टुकड़ा जो खाने का जो ब्रेड था वो भी नहीं मिलता था। दूसरी तरफ जो सम्राट थे लुई 16 था, उन्होंने सेना को
आदेश दिया था पैरिस सेना को, ये बताया गया था कि अब कोई भी जो आदमी था वो सरकार के अगेंस्ट में नहीं आया, और आर्मी को उन्होंने आर्मी को ये आदेश दिया था कि पेरिस के जो सिटी था, पेरिस जापान की जो कैपिटल सिटी थी, उसमें कोई एंट्री ना कर सके, एंट्री ना कर सके। तो और ये आदेश कब दिया था? 14 जुलाई को दिया गया था, 14 जुलाई 1789। अभी जो इतनी सारी महिलाओं को लाइन में खड़ा रहने के बाद भी अगर उन्हें ब्रेड नहीं मिलती थी, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। तो और उस समय राजा ने भी अपने सारे आर्मियों को आदेश दिया कि पेरिस में कोई भी नागरिक इंटर ना कर सके। तो इससे लोगों के अंदर काफी एक रूमर सी फैल गई। क्या रूमर थी? कंट्री साइड रूमर स्प्रेड। ये कंट्री साइड रूमर क्या होती है? द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, व्हाट टू लॉर्ड्स ऑफ मेजर हायर बैंड ऑफ ब्रेड थ्रू वेयर द वे ऑफ डिस्ट्रॉय एंड राइप क्रॉप्स। अब लोगों के अंदर एक भ्रम ऐसा फैल गया था, एक रूमर्स फैल गई थी कि अब जो जहांगीर और मालिक है, जो जमींदार थे, जो लैंड ओनर थे, जो चर्च के हेड थे, उन्होंने क्या कर दिया? अपनी बचाव के लिए उन्होंने कुछ लुटेरे, कुछ नटे तो मतलब जो हैंड विलेज टू लॉर्ड ऑफ मैनर हैड ट्राइड टू ब्रांड ब्राइड ब्राइगैंड हू आर वेज टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप। उन्हें लगना था कि अब ये लोग हमारी पक्की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे। एक कंट्री का रूमर था, विलेज टू माइनर हैड हायर ब्रांड ऑफ ब्राइगैंड। ब्राइगैंड का मतलब क्या होता है? लुटेरे। अब ये जो जहांगीर लोग थे, जो लोग थे, उन्होंने अपने लिए लुटेरों का एक संग्रह बना लिया था। उन्होंने उनको आदेश दिया कि लोगों को जो खेती है उनकी खत्म करे, उनकी जो फसल है उन फसलों को, पक्की फसलों को तबाह करने में पड़े हैं। अब ये एक जो मूवमेंट थी, इन लोगों के अंदर जो फियर था, वो फियर मात्र काफी जबरदस्त फियर गांव के गांव फैल गया था। आपके बुक में पेज नंबर जो 9 दिया है, 9 के पेज नंबर में पूरी तरह से पिक्चर दी हुई है उस स्प्रेड की, जो फियर लोगों के अंदर किस तरीके से फैल गया था। पूरा पिक्चर को जरूर देखिए, पिक्चर नंबर 6 जो आपके बुक में दिया है उसको देख लीजिए। काउंट ऑफ लेजी फियर फिशन इज सेवरल डिस्ट्रिक्ट साइज हु एंड पिच फ्रॉक एंड अटैक चेक बॉक्स। अब हुआ क्या? इससे किसान काफी भयभीत हुए और उन्होंने क्या कर दिया? जो ग्रामीण किले थे, चेटू, चेटू का मतलब क्या होता है? जहां पे अनाज रखा जाता है वो गोदाम, जो जो वहां के जमींदारों के गोदाम थे, उस गोदाम के ऊपर फार्मरों ने जो उनकी यूज करने वाली खेती में काम करने वाले हो एंड पिच पॉक। हो एंड पिच पॉक का मतलब क्या होता है हिंदी में? आप समझ सकते हैं उसका मीनिंग क्या है? ये एक मीनिंग खास करना जो फार्मर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कूड़ा फावड़ा कहते हैं आप हो ना, उसको कहते हैं वो। तो किसानों ने क्या कर दिया? बेलचे, कुदालों, बेलचों से अब उस ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। अनाज के जो भंडार है वो फार्मर ने लूट लिए। जो लूटेड होटेड ग्रेन एंड बर्न डाउन टू डॉक्यूमेंट, और जो कर्जे दिए थे उन लोगों के, वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को जला दिए एंड कंटेनिंग रिकॉर्ड एंड मेमोरियल ड्यूज। तो वहाँ इतनी जो राख कर दिया और कुलीन संख्या में जितने भी जागीर चौक भाग चले गए और वो अन्य बाहर के देशों में पड़ोसी में चले गए। अब हुआ क्या कि अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फील्ड देयर होम्स एंड मेनी ऑफ द मार्जिनिंग देयर नेबरिंग कंट्रीज। जो जागीर लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो अपनी गांव को छोड़ के किसी और देश में जाके शरण में बैठ गए।
तो ये एक मूवमेंट था, एक रूमर थी कि भाई राजा ने आदेश दिया कि उनकी फकी फसलों को खराब करने में आर्मी बुला रही है, जो खासकर ब्राइगेंड्स मेंबर थे उनको बुला रखा है। तो इससे लोग काफी भयभीत थे और किसानों ने जो जागीरदार थे अमीर लोग थे उनके अनाज कोटा थे उनके ऊपर लूट कर दी, उनको तोड़ दिया और धीरे धीरे फ्रांस में एक मूवमेंट स्प्रेड होने लगी थी। अब 4 अगस्त 1789 की घटना आपके बुक में दी है। फेस एंड द पावर इज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकमेंडेशन टू नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पावर वुड बी नाउ द चेक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब ये विद्रोही पूरी तरह से लोग रिवोल्ट में उतरे, यहाँ पे फार्मर्स पढ़े लिखे लोग इन सब ने जब लुईस 16 के अगेंस्ट में जब लड़ाई छेड़ी, तब लुईस 16 को अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको मानने के अलावा। लुईस 16 के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने क्या कर दिया, फाइनली लुईस 16 ने अकॉर्डिंग टू रिकंडीशन ऑफ नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट पावर वुड बी फ्रॉम नाउ ऑन चेक द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने थर्ड असेंबली को नेशनल असेंबली मानने से तो वो ग्रांटेड कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार कम करने की बात नहीं कही। वो मानते थे उनकी सत्ता और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन वो भी राजसत्ता के लिए अनुकूल ही रहेगा। और 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास अ डिग्री ऑफ अबॉलिशिंग द फीडियल सिस्टम ऑफ ऑबलाइन टैक्सेस। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली जो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट की बनी थी उन्होंने कर जो टैक्सेस थे ड्यूटीज थी और जो टैक्स जो सामंती जो फीडियल सिस्टम थे उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह रियायत दी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। फीडियल सिस्टम ऑफ लीज एंड टैक्सेस मेंबर ऑफ क्लर्गी टू वेर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेजेस। और खासकर जो क्लर्गी लोग थे उन क्लर्गी लोगों को भी अपने अधिकार छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। जो टीथे एक्ट था जो धार्मिक कर था टीथे उसको भी 100% अबॉलिश कर दिया गया। और खासकर जो उनकी जो प्रोत्साहित वाली जो प्रॉपर्टी थी मतलब क्लर्गी और नोबिलिटी के पास जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को नेशनल असेंबली ने पूरी तरह से जब्त किया, उसको जब्त किया। और वो कितना बना, 20 अरब मिलियन। आपके बुक में जो 2 दिया है वो 2 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आई जो नेशनल असेंबली से बनी हुई थी। जो क्लर्गी और नोबिलिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई और वो प्रॉपर्टी सरकार ने जमा कर दी और उस टोटल मिला के 20 अरब लिब्रे की प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनके हाथ में आई। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। दिस इज फाइनली रिकैप में कर रहा हूँ, आउटब्रेक कैसे हुआ। लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाने की बात कही और उसके लिए उन्होंने थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकंड एक असेंबली बुलाई, जनरल असेंबली, उसका नाम जनरल असेंबली था उस समय। वो तीनों लोग आए, हर कैटेगरीज को अपनी अपनी वोट का अधिकार था, पर्टिकुलर कम्युनिटीज को एक एक वोट देने का अधिकार था, पर इस समय थर्ड स्टेट ने अपनी डिमांड रखी कि उन्हें हर नागरिक के लिए 1 वोट 1 वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाए, जो राजा ने पूरी तरह से डिनाय कर दिया गया। उससे लोगों काफी गुस्सा आ गया और वो टेनिस कोर्ट वोट में एक जगह जमा हुए और टेनिस ऑफ वोट में जमा होने के बाद उन्होंने अपने वोटिंग का अधिकार मांगा और वहां पे उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जब नेशनल असेंबली घोषित कर दिया तब जाके उन्हें जब उन्होंने अपनी
बात को राजा को मनवाने के लिए बात कही तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तब जाके वो टेनिस कोर्ट ऑफ बोथ में उसमें दो लोगों ने खासकर पार्टिसिपेट किया था, मिराबी और ओबीसी, उन लोगों ने काफी लोगों को मोटिवेटेड किया और 20 जून को उन्होंने खुद को इंडोर कोर्ट में देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही गई। अब ओबीसी ने अपने बुक थर्ड स्टेट क्या होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए उसके बारे में बात कही। 14 जुलाई को बास्टिन जो था उसके ऊपर उन्होंने क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल, 14 जुलाई को उन्होंने पूरी तरह से बास्टिल को खत्म कर दिया गया। कंट्री साइड रूमर्स पे अब जब बास्टिल को खत्म कर दिया तो लोगों को ये समझ में आया था कि राजा ने अब जो लोगों की जो खड़ी फसल थी उनको नष्ट करने के लिए आर्मी को आदेश दिया। इससे फार्मर काफी चिढ़ गए, फार्मरों ने जितने भी जागीर के जो गोदाम थे उसके ऊपर अटैक किया, उसको नष्ट करने की बात की और उनके गोदाम लूट लिए गए। जो भी थर्ड सेकंड स्टेट के लोग थे वो अपने देश छोड़ के दूसरे देशों में शरण में आ गए। उनके बाद सारी जो नेशनल एक लॉज बनाया और 4 अगस्त 1789 को एक लॉ पास किया गया, फेडरल सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उनको जो स्पेशल प्रिविलेजियस राइट दिए गए थे वो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए और इससे जो प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में आई वो कितनी थी, 20 अरब लीबरे संपत्ति सरकार में आई थी, जो नेक्स्ट पार्ट है हम कल उसको देखेंगे। तब आप तक के लिए सेकंड पार्ट है, अच्छे से लर्न करें, समझें और उसका जो होमवर्क दिया गया उसको अच्छे से लर्न कर लें।